हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छे होंगे जैसा कि आप सबको पता है ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम अपना चैप्टर सिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ फ़ाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में आज हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इज़ अ लाइन आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो this statement is one of the document comprising a company's financial statement the line item contains the sum total of the changes that a company experienced during a designated reporting period that were caused by transaction with owners or lenders to if the company is not for profit then you would also include in this line item all contribution from donors where the funds are to be used only for long term purpose here. फ़ाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जब कंपनी क्या करती है अपने फंड्स को किसी भी तरीके के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करती है तो उससे जो भी उसको अर्न होता है वो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आता है अब मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है तो मान लीजिए उसको जो भी चैरिटी मिल रही है डोनेशन मिल रहा है तो उसके लिए वही जो अमाउंट होगा और वो जो उस अमाउंट का यूज़ करेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसी को हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अब देखिए इसमें भी आपका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होता है कैश इनफ्लो देखिए कैसे होता है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड इक्विटी शेयर मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है शेयर या इक्विटी शेयर को शेयर इशू कर रही है ठीक है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रही है तो उसके बदले जो पैसा आएगा वो कहलाएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ़ डेप्ट और बॉन्ड्स अगर किसी भी तरीके का कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है बॉन्ड्स इशू कर रही है तो उससे जो पैसा रेज होगा वो भी कहलाएगा कैश इन्फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्योंकि ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही माना जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ लोन अगर कंपनी किसी भी तरीके का लॉन्ग तो टर्म लोन ले रही है तो वो भी हमारा कहलाएगा कैश इन्फ्लो फ्राम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लेकिन उसी का देखिए जस्ट अपोजिट होता है कैश आउटफ्लो अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी के पास से कैश जाए कैसे? कैसे तो वो देखिए होगा? Redemption of preference share, of own equity share. अगर कंपनी क्या करती है preference share का रिडेम्पशन कर देती है अपने खुद के इक्विटी शेयर को बाय कर लेती है परचेस कर लेती है तो उस कंडीशन में उसके पास से क्या होगा पैसा जाएगा और वो कहलाएगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेक्स्ट है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड पेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन जो भी कंपनी डिबेंचर इशू की थी उसका पेमेंट कर दी जो भी कंपनी लॉन्ग टर्म लोन्स ली थी उसका रीपेमेंट कर दी उस कंडीशन में भी कंपनी के पास से पैसा जाएगा और वो कहलाएगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पेमेंट ऑफ़ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट अगर कंपनी किसी तरीके का लोन ली है डिबेंचर इशू किया तो उस इक्विटी शेयर इशू की है तो उसके बदले वो क्या देती है डिबेंचर डि सॉरी डिविडेंड देती है इंटरेस्ट देती है और जब वो डिविडेंड और इंटरेस्ट देती है तो उसके पास से पैसा जाता है यानी कैश आउटफ्लो होता है तो वो कहलाएगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ तो ये बेसिकली क्या थे हमारे कि हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कैश कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कर सकते हैं होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है थैंक यू